गुड इवनिंग दोस्तों क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं सभी को नमस्कार सभी को सभी का स्वागत है अपने इस चैनल पर जहां हम बात करने वाले हैं आपके साथ अपने द हिंदूरियल की उम्मीद कर रहा हूं मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है और हम लोग कनेक्ट हो पाए हैं चर्चा करें दोस्तों आज के में क्या क्या है बात करने के लिए हमारे पास कौन कौन से आर्टिकल हमारे पास है बात करने के लिए और ओके Uh, दोस्तों आज हमारे पास आर्टिकल हैं आ, बात करेंगे आपके साथ जम्मू कश्मीर में जो टेररिस्ट अटैक हुआ वहाँ चर्चा होगी कि किस प्रकार जम्मू कश्मीर आतंकवादी अब नई लोकेशन का यूज़ कर रहे हैं और क्या कमियाँ रही हैं हमारे आतंकवाद कंट्रोल मैकेनिज्म में बात इसकी करेंगे आपके साथ आ, बात करेंगे दोस्तों विंड पावर्स की हम लोग भारत में पवन ऊर्जा क्या चल स्टेटस है और क्या सरकार की पॉलिसी राइट ना उस पर हम बात करेंगे बात करेंगे दोस्तों आज द हिंदू में आया एटो आई एम के ऊपर आईएमएफ ने जो पेपर जारी किया है एक प्रकार से या कहना चाहिए भारत सरकार के जो डेप्ट है उसको लेकर जो बात कही है उसको लेकर चर्चा होगी आपके साथ इस टॉपिक पर आज आ, इसके अलावा दोस्तों चर्चा होगी आपके साथ हम लोग बात करेंगे अन्य टॉपिक हमारे पास बात करने के लिए जैसे कि मैं आपको दिखायाता हूँ यहाँ पर एक बेहतर होगा यह हम चर्चा करना चाहेंगे आपके साथ आई का डेप डिबेट दोस्तों यह अच्छा आर्टिकल है कश्मीर छोड़ दीजिए काम का नहीं है दोस्तों हमारे लिए अः इसके अलावा हमारे पास जो आज के आर्टिकल में दोस्तों यहाँ पर ये एक है यूएस से चाइना संबंधों पर दोस्तों आर्टिकल आज का ठीक आर्टिकल लगा पढ़ने में कुछ बात कर सकते हैं इस पर हम लोग यहाँ पर इसके अलावा ट्रंप पे कुछ खास नहीं है दोस्तों जी हाँ इसमें कुछ खास नहीं है इसके अलावा बिजनेस की बात करें विंड पावर पे अच्छा आर्टिकल दिया है यहाँ पर आई एम एफ पे कवर किया है इसने भी कवर किया आई को आज और द हिंदू ने भी कवर किया दोनों को मिलाकर बात करूंगा मैं आपसे और एक आर्टिकल दोस्तों हमारे पास यहाँ पर है एशिया कॉटन अलाइंस पर बात करेंगे क्यों रिक्वायरमेंट है एशिया कॉटन अलाइंस की पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों बाकी दो आर्टिकल मेरे पास हैं आपके लिए तो एशिया कॉटन आर्टिकल भी हो गया दोस्तों बात करने के लिए आपके साथ। इसके अलावा बात करेंगे यूएसए चाइना संबंधों की जो द हिंदू में दिया है आज का आर्टिकल और बात होगी दोस्तों आपके साथ मेरे यहाँ पर जो आज के बिजनेस एंड के आर्टिकल हैं पंजाब ड्रग्स के ऊपर पंजाब में ड्रग्स के केस में किस प्रकार इजाफा हो रहा है बात उसकी वहां से भी होगी दोस्तों चले तो ये है हमारे पास आर्टिकल बात करने के लिए इसमें से जम्मू कश्मीर का आर्टिकल इंडिक एक्सप्रेस का है Wind power, line का है दोस्तों आईएमएफ बिजनेस लाइन और द हिंदू दोनों में दो दो आर्टिकल तीनों पेपर से क्या हम प्रारंभ कर सकते हैं आज की चर्चा को और वैसे मैंने अपनी अपनी जो असम्बली शीट है उसमें मैंने बाकी आर्टिकल भी लिख लिए जो कल के हमारे नहीं हो पाए थे किसी कारणवश तो कल के आर्टिकल भी हमने किए है इसके अंदर शामिल आ, मैं दिखाऊंगा आपको यहाँ पर, पर यह जम्मू कश्मीर का है इसके बाद हम बात करेंगे आपके साथ कुछ और आर्टिकल जो मेरे कल के आया था अच्छा, अच्छा, अच्छा आर्टिकल दोस्तों जॉब क्राइसिस पर कल अच्छा आर्टिकल आया था क्योंकि कल अपन चैट कर रहे थे तो अपन इस पर बात नहीं कर पाए थे मेरे कहा दो आर्टिकल हैं कल के अच्छे जो इंडिया जॉब क्राइसिस अच्छा आर्टिकल दोस्तों ये समय ला तो आज कर पाएंगे इसको हम लोग यहाँ पर ठीक है चलो और एक आर्टिकल था दोस्तों यहाँ पर कोलम्बो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव वाई का है ये इसकी चर्चा करने का समयला तो बिल्कुल बात करेंगे आपके साथ ठीक है चलो तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए सब लोगों का स्वागत है सभी लोगों को वेलकम है यहाँ पर दोस्तों मेरी आवाज़ उम्मीद कर रहा हूं, पहुंच रही है आप तक प्रारंभ करें यस करें ओके करें जल्दी से सब लोग चलिए, ओके पहला आर्टिकल दोस्तों हमारे पास द हिंदू का एडिटोरियल है आज डिबेट ये द हिंदू भी है ठीक है ये आर्टिकल दो जगह पर है आज बात करते हैं

वो नियरली हंड्रेड परसेंट हो जाएगा इन वर्स्ट सिनेरियो ये इनका मानना है इन्होंने बस इतना कहा कि भारत का फॉरेन डेप्ट हंड्रेड परसेंट हो जाएगा शायद वो कहना भूल गए कि वर्स्ट सिनेरियो की बात कर रहे हैं सबसे खराब हालात की बात कर रहे हैं लेकिन मीडिया ने या जो अखबारों में आ गया वही आ गया कि हंड्रेड परसेंट डेप्ट हो सकता है सरकार पर उधार हो सकता है जीडीपी का हंड्रेड ऑफ जी सरकार पे उधार हो सकता है दो हजार तक ठीक बात है तो यहां पर आज गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया इसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्लेरिफिकेशन दिया इसके ऊपर कि जनाब ये जो अनुमान है आईएमएफ का गलत तथ्यों पे आधारित है हम इसका निंदा करते हैं खंडन करते हैं हैं शॉर्ट ऑफ एक प्रकार से बोल सकते हैं। तो क्या कहा गवर्नमेंट ने आइए बात करते हैं इस पर तो गवर्नमेंट का कहना क्या है आइए चलिए चलते हैं आर्टिकल को लेकर हम लोग तो फाइनेंस मिनिस्ट्री ने एक स्टेटमेंट जारी किया है यहाँ पर उन्होंने कहा कि फैक्चुअल आर्टिकल फोर कंसल्टेशन विद इंडिया ये स्टेटमेंट किस बारे में है फैक्चुअल पोजिशन जो आई ने जारी की है उसकी सफाई है प्रकार से उसका के जारी किया गया है ठीक है तो आईएमएफ का जो स्टाफ है यहां पर वो हैं इनका कहना ये है कि इंडिया का, जर्नल, डेप जो है, वो 100 हो जाएगा, का दो हो सकता है अट्ठाईस तक दोस्तों ठीक है तो मिनिस्ट्री कह रही है कि बात ठीक है अट्ठाईस तक हो सकता है ऐसा लेकिन वो एक वर्स्ट सिनेरियो होगा सबसे खराब हालात होंगे ना कि एक सामान्य बात होगी अगर आप कंपेयर करें वर्ष केस की तो आप देख सकते हैं चार्ट, चार्ट, दो सौ परसेंट तक है चाइना अमेरिका से देशों का जी हाँ अमेरिका का वन यूके का वन और का दो सौ परसेंट तक हो सकता है ये कहना है हमारे भारत सरकार का भी आईएमएफ का अगर वर्स्ट केस देखे तो तो इंडिया का वर्स्ट केस तो हंड्रेड तो इंडिया का पोषण ठीक दिखती है यहाँ पर अब आइए बात करता है राइटर्स के बाद भैया इंडिया पोजिशन क्या चल रही है इस समय इंडिया में केंद्र और राज्य का उधार मिलाकर दोस्तों गवर्नमेंट डेफ्ट मिलाकर कितना चल रहा है जीडीपी का नियरली

आर टी अपने आप में बनाएगा 2016 में इसकाटन किया गया था उसने कहा था कि 2023 तक ये 60% हो जाना चाहिए बट ड्यू टू कोरोना रीजन 81% है अभी भी, भी। काफी ठीक हालत में है और अच्छी बात है कि 2028 तक ये कितना हो सकता है 70% तक हो सकता है फेवरेबल कंडीशन में खुद आईएमएफ मान रहा है कि फेवरेबल कंडीशन में 70% worst केस में 100% तक हो सकता है बढ़ सकता है वर्ष केस में और अच्छा मामला रहा जीडीपी ठीक रही कोई मंदी नहीं आई कोई बड़ा झटका नहीं लगा तो फेवरेबल कंडीशन में सत्तर परसेंट तक पहुंच सकता है ठीक बात है दोस्तों यहाँ पर तो निश्चित तौर पर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारत ने दो में जो सीख हासिल की थी मंदी के समय वो मदद भी कर रही है कहीं ना कहीं तब भी हमारा घाटा नहीं बढ़ा तब भी हमारा उधार नहीं बढ़े हमारे ऊपर तो आईएमएफ का जो ये डेटा है अपने आप में गलत तथ्यों पर आधारित है मैं कर रहा है भारत की पोजीशन को कहीं ना कहीं ये कहना है भारत सरकार का ठीक है चलिए जनाब यहाँ तो कोई समस्या नहीं है

आई का जो भी पिक्चर हो लेकिन इंपॉर्टेंट बात है कि दो की बात करें ठीक है तो भारतीय फिजिकल स्पेस या भारत का राजकोषीय जगह है अपने में काफी काफी रिस्की चल रही है काफी इतना स्पेस नहीं है भारत के पास राइट नाउ ठीक है हमारे पास लगातार उधार बढ़ते जा रहे हैं ठीक है, है? इंपॉर्टेंट बात ये भी याद रखनी है हमको कि डेप्ट लेवर केंद्र सरकार कितना एट्टी वन दो तो टोटल है दोस्तों 57 इस समय केंद्र का है और 24 इस समय, समय स्टेट का है तो 57 को आपको कहां करना है दोस्तों चालीस पर लेकर आना है सिंह में और इनको 20 पर जो ऑलमोस्ट करीब है राज्य तो करीब है काफी काफी केंद्र करीब नहीं है दोस्तों यहां पर तो काफी काम करना पड़ेगा और भारत सरकार खुद कह चुकी है कि 2000 जो साल चल रहा है ये 2023 हजार में देश का राष्ट्रीय राजकोषी घाटा कितना है इस समय राइट पॉइंट नाइन डेफिसिट कितना है फाइव पॉइंट नाइन परसेंट दिस ईयर इसको दो साल में यानी चौबीस पच्चीस और फिर पच्चीस छब्बीस दो हजार तक छब्बीस कितना करना है इसको 5.2 नेक्स्ट ईयर उसके बाद 4.5 अंतर करना है दोस्तों को फिजिकल डेफिसिट देश के जीडीपी का तो ऑफ कोर्स हमें काफी काम करना होगा यहां पर तो निश्चित तौर पे आईएमएफ की रिपोर्ट एक कंसर्न दिखाती है कि वर्स्ट केस में 100 परसेंट हो सकता है भारत का डेप्ट जीडीपी रेशियो क्या ये बातें समझ आई दोस्तों आपको मेरी यहाँ पर क्या मैं आगे बढ़ सकता हूँ यहाँ से क्या डिटेल हुआ दोस्तों आपको ये पहला तो आई तो आईएमएफ की रिपोर्ट नहीं है सच लेकिन इंडिया का डेप्ट वाला पार्ट थोड़ा काम का था ठीक है अगर इन, में बात करूं दोस्तों, इन पूछूं में कि भारत सरकार डेप्ट को कम करने के लिए क्या कर रही है भारत सरकार डेप्ट को कम करने के लिए क्या कर रही है ठीक है तो क्या कर रही है डेप्ट को कम करने के लिए मतलब सीधी बात है ना यारेफिसाइव परसेंट कर देंगे तो क्या कर रही है भारत सरकार इसके लिए कुछ कर रही है या नहीं वो देखिए हम लोग यहाँ पर तो अगर मैं कहूं राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए सरकार टैक्स कलेक्शन बढ़ा रही होगी उम्मीद करते हैं टैक्स रिफॉर्म कर रहेगी सरकार करना होगा तो अपने एक्सपेंडिचर जो कर रही है उसमें कोशिश करेगी कर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है उसे कम किया जाए यानी कि जो एड्स बोलते हैं कई बार इसको हम लोग अपनी भाषा में याद होगा आपको एड्स का मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कम करे सरकार अपने एडमिनिस्ट्रेटिव खर्च कम करे इंटरेस्ट पेमेंट कम करे सरकार अपने या डिफेंस का जो बजट है उसमें प्रोडक्ट अनप्रोडक्टिव काम को हटाया जाए और सब्सिडीज के स्तर को सरकार तभी बात बन सकती है तो रेवेन्यू कम करने होंगे आपको आ, इसके अलावा आप कह सकते हैं डेप्ट कम कैसे होगा दोस्तों डेप्ट हमको क्या करना होगा लॉन्ग हमें कम इंटरेस्ट वाला या लो इंटरेस्ट वाले लोन चाहिए हमको यहाँ पर हाई इंटरेस्ट वाले लोन नहीं चाहिए होंगे तो लो इंटरेस्ट लोन लेकर आए हम लोग तभी डेप्ट या उसका ई कम जाएगा डेप्ट और कैसे कम हो सकता है दोस्तों डीडी बढ़ना टैक्स बढ़े अलग बात है तो टैक्स नहीं होगा गवर्नमेंट का और टैक्स कलेक्शन नहीं होगा तो नहीं है अपने खर्चों होगी अपने खर्चों में कमी करनी होगी हमको यहाँ पर ये प्रयास कर रहे होंगे तभी हमारा डेप्ट या तभी हमारा राजकोषीय घाटा भी कम हो पाएगा उम्मीद करो आर्टिकल क्लियर दोस्तों आपके लिए ठीक है चल आगे बढ़ते नेक्स्ट टॉपिक पर अच्छा दोस्तों ना आज क्या हुआ ना मैं एक टॉपिक करा रहा था क्लास के अंदर तो मैं चाहूंगा शेयर करना आपसे अदर देन आर्टिकल है लेकिन चूंकि आज अभी शाम में फ्रेश कराया मैंने तो मैं चाहता हूँ आप लोगों को शेयर कर दूँ अगर आप लोग तैयार हैं तो स्पेस का आर्टिकल था वो स्पेस का मैं टॉपिक कराया था काफी अच्छा टॉपिक लगा मुझे तो मैंने कहा आपसे भी शेयर कर दिया जाए आप लोगों से भी शेयर कर दिया जाए उस टॉपिक को आ, इफ, अगर आप मुझे परमिशन दें तो मैं टच करूँगा अदरवाइज पहले आर्टिकल करा दू पहले मैं आपको आर्टिकल भी अच्छे हैं क्योंकि तो पहले अपन कर लेते हैं इसको स्पेस इस वाले शाम शाम साइंस क्लास में करा रहा था तो मैंने कहा होता कहना कई बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते तो अच्छा टॉपिक याद आ जाता है और मैं काफी उनको अच्छा लिखवा दिया उस पर आज तो मैं सुनूँगा आपको भी कराई दूँ मैं इस क्लास में यहाँ पर ठीक है जैसे ग्लोबल स्पेस मार्केट है दोस्तों हम तो सभी जानते हैं ग्लोबल स्पेस मार्केट बहुत बड़ा मार्केट बन गया ठीक है आर्टिकल में नहीं आज अखबार में परेशान मत हुई ढूंढने का प्रयास मत को मत कीजिएगा पांच मिनट दीजिए मेरे को पांच मिनट से बनी लूंगा आप लोगों के मैं तो ग्लोबल स्पेस मार्केट जो है दोस्तों लगातार एक्सपेंड कर रहा है डेटा हमारे पास है आज के डेट में थ्री ट्वेंटी बिलियन डॉलर का राइट नाउ ग्लोबल स्पेस मार्केट है दो हजार तीस तक ये साइज बढ़कर पॉइंट ट्रिलियन डॉलर हो जाएगा ऑलमोस्ट फोर टाइम्स हो जाएगा दोस्तों ये ग्लोबल स्पेस मार्केट अंतरिक्ष बाजार अब ग्लोबल स्पेस मार्केट में क्या क्या आता है वो समझ लीजिए पहले इसमें आते हैं लॉन्च व्हीकल यानी दूसरों के सेटेलाइट लॉन्च करना ये शामिल होता है दोस्तों दुनिया भर के देश सेटेलाइट लेकर आते हैं हमारे पास उसको लॉन्च करने की लॉन्च व्हीकल का मार्केट है ये स्पेस टूरिज्म का मार्केट है दोस्तों ये पर्यटन पर्यटन बढ़ बढ़ रहा है। बढ़ बढ़ रहा है 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 दुनिया भर में स्पेस टूरिज्म का मार्केट है अपने आप में ये इसके अलावा इसमें शामिल होता है दोस्तों आ, ग्लोबल स्पेस में आर एन डी या मैं कहूँ सेटेलाइट निर्माण करना जी हाँ किसी देश को सैटेलाइट बनाकर चाहिए हम लॉन्च सेटेलाइट बनाकर दे देंगे उसको हम लोग यानी कुल मिलाकर किसी देश को प्रक्षेपण की सेवाएं देना हिंदी में कहूँ तो प्रक्षेपण लॉन्चिंग फैसिलिटी देना किसी देश को उपग्रह बना के देना या उसके नागरिकों के लिए पर्यटन की सेवाएं देना दोस्तों तो तीनों सेवाएं मुख्यतः मानते हैं हम लोग ये है ग्लोबल स्पेस मार्केट के भागे में बहुत तेजी से बढ़ने वाले आने वाले सालों में ठीक है तो पहला टॉपिक मेरे पास ये है कि आखिर ये मार्केट एक्सपेंड क्यों कर रहा है हम तीन पॉइंट ढूंढेंगे दोस्तों ये मार्केट विस्तार क्यों कर रहा है ये मार्केट एक्सपेड ये टॉपिक जो हमारा तीन पार्टो बांटेंगे ये मार्केट एक्सपेंड कर रहा है तो मार्केट क्यों बढ़ रहा है वो ढूंढने का प्रयास करेंगे दूसरा इस बढ़ते हुए मार्केट के लिए भारत का वर्तमान करंट स्टेटस क्या क्या है है इस इस मार्केट मार्केट में में उसकी उसकी बात बात मैं मैं करूंगा आपके साथ इंडिया का करंट स्टेटस करना चाहूंगा और तीसरा इंडिया के सामने चैलेंजेस क्या हैं इस मार्केट को कैप्चर करने में समय चैलेंजेस अगेंस्ट जो इंडिया करंट सिचुएशन और चैलेंजेस क्या हैं और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं इस मार्केट को कैप्चर करने के लिए ठीक है तो मैं चार पॉइंट में डिस्कस करूंगा फटाफट सुनेंगे दो दो मिनट लगेंगे सब टॉपिक पर आपके साथ टॉपिक uh, पहला है दोस्तों क्या एक्सपेंड uh, uh, क्यों कर रहा है मार्केट ये समय के साथ क्यों बढ़ रहा है मार्केट विस्तार विस्तार क्यों कर रहा है दोस्तों बाजार बाजार ये तो विस्तार करने कई का कारण हो सकते हैं पहला कारण जो मैं मैं uh, क्लास में आपको एक्सपेंड इसलिए कर रहा है मार्केट हमारा क्योंकि दुनिया में डिमांड ऑफ सैटेलाइट बढ़ती जा रही है जी तक हाईटेक हो रहे हैं हम लोग डिमांड ऑफ सैटेलाइट बढ़ती जा रही है लगातार हर काम के लिए अगर आपको डिफेंस करना है रक्षा करना है तो आपको सेटेलाइट चाहिए इवन ब्रॉडबैंड भेजना है आपको इंटरनेट का यूज़ करना है तो आजकल 12000 हजार पंद्रह सेटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे आपको आपको अगर मैं कहूँ कम्युनिकेशन uh, करना है नेविगेशन करना है हर कोई देश अपना खुद का नेविगेशन जी पी एस बनाने पर चला है तो आपको सैटेलाइट लॉन्च करने पड़ेंगे आपको इसके अलावा देश की स्पाय या जासूसी उपग्रह भेजने पड़ते हैं आपको अपने यहाँ पर इवन ट्रैकिंग uh, करनी है चीज़ों की आपको लॉजिस्टिक करना है कम्युनिकेशन करना है संचार करना है दोस्तों इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात में करूँ डी की बात में करूँ या हिट शादी की बात करूँ तो मुझे सेटेलाइट चाहिए अपने यहाँ पर डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करें अर्बनाइजेशन की बात करें अर्बन प्लानिंग करना चाहते हैं आप तो आपको चाहिए इवन आजकल क्लाइमेट चेंज के लिए स्टडी के लिए आपको सेटेलाइट चाहिए होते हैं कहीं ना कहीं यानी अल्टीमेटली डिमांड ऑफ सेटेलाइट लगातार बढ़ रही है और जितना ये अफ्रीका के कंट्री दोस्तों जो हैं ये लैटिन अमेरिका के जो देश हैं जो तो थर्ड वर्ल्ड कंट्री हैं दुनिया के इनके पास खुद के पास लॉन्च व्हीकल नहीं है किसी के पास लॉन्च वहीकल सोचिए लॉन्च वहीकल नहीं है तो ऐसे में इनके पास जब लॉन्च वहीकल नहीं है डिमांड बहुत है की है की डेवलपिंग कंट्री तो इनका एक बड़ा हो रहा है हमारे यहाँ पर तो सेटेलाइट की मांग बढ़ रही है और लॉन्च वहीकल नहीं है देशों के पास प्रक्षेपण यहाँ नहीं है देशों के पास इसके अलावा स्पेस टूरिज्म की मांग बढ़ती जा रही है लगातार डिमांड ऑफ स्पेस टूरिज्म बढ़ रही है तो ये एक बड़ा फैक्टर है अपने आप में इसको भूलना नहीं चाहिए हमको यहाँ पर इसके अलावा

कारण है आपके आ, आ मुझे कहना चाहिए स्पेस मार्केट के एक्सपेंड करने के ठीक है बहुत अच्छी बात है डेटा बता दिया साथ में दोस्तों मैंने आपको यहां पर डेटा क्या है आ, 320 बिलियन डॉलर का मार्केट है राइट नाउ एक्सपेंड करेगा 2030 तक नियरली 1.25 ट्रिलियन डॉलर का मार्केट हो जाएगा ये खुद भारत सरकार ने कहा था लोकसभा में खड़े होकर तो ये ऑफिशियल डेटा है भारत सरकार का दोस्तों हमारे डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस का कहना है कि 320 अरब डॉलर का मार्केट है दु, दुनिया में हो जाएगा 2030 तक 1.25 ट्रिलियन डॉलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लोकसभा तो ये ऑफिशियल डेटा यूज कर सकते हैं इसका आप लोग ये तो हुआ विस्तार आपके एक्सपेंड क्यों कर रहा है अब इंडिया का करंट स्टेटस क्या है दोस्तों यहां पर इंडिया का करंट स्टेटस क्या है वो समझ लीजिए फटाफट तो करंट स्टेटस ये है कि थ्री ट्वेंटी बिलियन डॉलर के मार्केट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो शेयर है वो नियरली टू परसेंट का है ये भी गवर्नमेंट ने खुद ही कहा है संसद में खड़े होकर कि हमारा जो शेयर है टू परसेंट का ऑफिशियल डेटा को यूज कर सकते हैं दूसरी बात वी हैव नियरली वन हंड्रेड वन स्टार्टअप इन इंडिया जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो हमारे पास स्टार्टअप की बात करें इस, इस, करंट सिनेरियो में 101 स्टार्टअप दोस्तों स्पेस मार्केट में काम करने के लिए ये लिया है दोस्तों इस बार के इकोनॉमिक सर्वे से इस बार के इकोनॉमिक सर्वे में आया था डेटा आपके एक, में ये चैप्टर मिलेगा आपको यहाँ पर चैप्टर नाइन मिल जाएगा ये इकोनॉमिक सर्वे में आया था इस साल के डेटा ये जहां बताया गया था एक स्टार्टअप इंडिया में काम कर रहे हैं दो हजार के दौरान यहाँ पर एक साल में बहुत बढ़ गए होंगे लेकिन इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इतना हमारे स्टार्टअप हैं जो स्पेस सेक्टर में काम कर रहे हैं ओके बात करें दोस्तों भारत दुनिया में आमतौर पर कंपेयर करें तो हर चीज में फिफ्थ और सिक्स कंट्री बन चुका है चाहे वो लॉन्च व्हीकल की बात करें नंबर ऑफ सेटेलाइट्स की बात करें या हमारे पास जो हमने ग्लोबल मिशन भेजे हैं अपने यहाँ पर आप चंद्रयान की बात करें या आप मंगलयान की बात करें वी हैव जीटीओ सैटेलाइट्स तो लॉन्च व्हीकल जीएसएलवी की बात करें दुनिया में हम लोग आमतौर पर हर चीज में फोर फाइव सिक्स नंबर पर टॉप में में आते हैं हैं लाइन कह सकता हूं कि भारत दुनिया के टॉप सिक्स कंट्रीज में स्पेस में जो अच्छा कर रहे हैं परफॉर्म कर रहे हैं हमारे यहाँ पर करंट स्टेटस की बात करूं दोस्तों में, अगर आपसे तो वी हैव द मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड इन द वर्ल्ड दुनिया का मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है अपने आप में क्यों कह रहा हूं मैं क्योंकि पीएसएलवी का सक्सेस रेशियो नियरली नाइन्टी फाइव परसेंट है यानी सेटेलाइट लेके उड़ा तो दागो और भूल जाओ पक्का जाएगा ऑर्बिट के अंदर सेटेलाइट तो ये ब्रांड इमेज है पीएसएलवी की करंट स्टेटस ये है दोस्तों कि भारत बहुत सस्ता लॉन्च करता है तो बहुत आ, सस्ता लॉन्च है हमारे यहाँ से और इससे हमें बड़े मार्केट को हम कैप्चर कर सकते हैं स्पेशली थर्ड वर्ल्ड कंट्री जो सस्ता लॉन्च आते हैं अफ्रीका है या फिर हमारे साउथ एशिया का मार्केट है या फिर लैटिन अमेरिका का मार्केट हम कैप्चर कर सकते हैं इजिली क्योंकि हमारा लॉन्चिंग प्रोसीजर थोड़ा सस्ता भी है और ब्रांडेड भी है तब पोस्ट तो ये दो राय नहीं है और इसके अलावा भारत ने जो हाल में आदित्य एलवन लॉन्च किया दोस्तों हम लोगों ने हमने हमारे यहाँ चंद्रयान तीन लॉन्च किया और बहुत जल्दी गगनयान लॉन्च करने वाले हैं इससे भारत की जो स्पेस क्रेडिबिलिटी है उसमें और इजाफा हुआ है हमारी साख हमारी क्रेडिबिलिटी और बढ़ गई है यह हुआ दोस्तों भारत का करंट स्टेटस यानी भारत एक ग्लोबल स्पेस मार्केट में बड़ा प्लेयर बन सकता है ये सारी बातें इसको प्रूव कर रही हैं ठीक है सो व्हाट आर चैलेंजेस क्या हैं वर्तमान में भारत के सामने अच्छा एक मिनट रुकता हूं यहाँ तक बात समझ आ रही है सभी को दोस्तों क्या मेरी बातें समझ आ रही है सबको यहाँ पर आर्टिकल आगे नाटिकल या ना बढ़ूं। दादी जो जरूरी है हमारे लिए जल्दी 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 बताओ सब ठीक चल चल रहा है तो चैलेंजेस क्या हैं दोस्तों हमारे राइट नाउ चैलेंजेस हैं याद रखिएगा इसरो के पास बहुत बड़ी फंडिंग नहीं है मैंने कहा टॉप फोर फाइव सिक्स में आते हैं अगर आप दुनिया के तो बाकी चार पांच उठा के देखिए ना कौन कौन है तो यूएसए का नासा है दोस्तों यूके की बात करें या मैं कहूँ यहाँ पर आप देखेंगे आप यू की बात में कर दो अच्छा रहेगा नॉट यूके यूके तो है ही नहीं कहीं फ्रांस यस ओके लिसन यार हम कहा थे मेरा स्लाइड ही बंद हो गया एक्चुअली में आई डोंट नो सिस्टम रीस्टार्ट क्यों हो गया चलो कहा थे हम दोस्तों हम बात कर रहे थे आपके साथ आ, स्पेस में चैलेंजेस के हाँ ठीक है, है चैलेंजेस की चालू करना था मुझे चैलेंजेस तो चैलेंजेस क्या हैं भारत में स्पेस प्रोग्राम में हमारे आ, ग्लोबल एम्बिशन में चैलेंजेस क्या हैं तो मैंने कहा इसरो की बात कर रहा था फंडिंग की बात में कर रहा था आपसे फंडिंग तो तो लाइक जो आ, हम अगर नंबर पे आते हैं मान लीजिए तो हमसे ऊपर देखिए अमेरिका है दोस्तों हमसे हमसे ऊपर ऊपर ठीक है है फ्रांस का एरियन है दोस्तों या फिर आप बात करें हमसे आप इू की बात करें या रशिया की बात करें हमसे ऊपर है थोड़ा सा कहा जाए कुछ जगह जापान हमसे ऊपर दिखता है हमको यहाँ पर कंबाइंड और कुछ जगह हमको चाइना हमसे ऊपर दिखता है ठीक है तो अगर हम देखें दोस्तों ये जो देश है पाँच छे ये सभी डेवलप वर्ल्ड है यार ऑलमोस्ट सबकी पर कैपिटल इनकम मोर देन टेन थाउजेंड डॉलर के ऊपर है और कहा भारत की टेन था टू थाउजेंडर के आसपास है हमारी पर कैपिटल इनकम यानी गरीब देश है कंपेयर करें इनके मुकाबले यानी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है हमारे पास और ऐसे में कहीं ना कहीं आप इतने बड़े मिशन चलाना इतना लॉन्च व्हीकल बनाना कहीं ना कहीं ये दिखाता है कि हम इसमें कॉम्पिट जरूर कर पा रहे हैं लेकिन अफकोर्स रिसोर्स कम है हमारे पास तभी हम लोग क्योंकि आर एनडी नहीं कर पाएंगे हमारी प्राइवेट कंपनी खड़ी नहीं हो पाएंगी अमेरिका ने कितनी छूट दी है सब्सिडी दी है उसके बाद आज स्पेस एक्स तैयार हुई है कितना रशिया की तो सरकारी कंपनी है या चाइना में कहीं ना कहीं सरकार पूरा फंडिंग कर रही है फ्रांस में सरकारी कंपनी एरियन काम कर रही है तो ऑलमोस्ट जहां प्राइवेट कंपनियां कार कम कर भी रही है वहां पर बहुत हैवी सब्सिडी दी है सरकार ने तब वो प्राइवेट कंपनी खड़ी हो पाई हैं हमारे यहाँ है इतनी सब्सिडी हम नहीं दे सकते निश्चित तौर पर तो एक बड़ा चैलेंज होगा लैक ऑफ फंडिंग हमारे पास दोस्तों ठीक है एक दूसरा इशू जो हमारे सामने है वो ह्यूमन रिसोर्स का मानव संसाधनों का दोस्तों कहीं ना कहीं मैं बात करूं आपसे तो हमारे जो आई इंजीनियर्स होते हैं ऑटोमिक्स इंजीनियर है दूसरे स्पेस इंजीनियर्स हैं उनको अमेरिकन कंपनियां या निजी कंपनियां ले जाती है ब्रेन ड्रेन हो जाता है हमारे इसरो में कोई काम नहीं करना चाहता है हमारी हमारी प्राइवेट कंपनी कोई काम नहीं करना चाहता है वो सब जाना चाहते हैं नासा में या जाना चाहते हैं स्पेस एक्स में अच्छा पैकेज दे रही हैं उनको या प्राइवेट कंपनियां जो अच्छे ऑफर दे रही है तो कहीं ना कहीं एक ह्यूमन रिसोर्स की बड़ी कमी है वैज्ञानिकों की कमी है हमारे पास जो आर एंड डी कर सके सेक्टर में काम कर सके दोस्तों जी हाँ तो एक बड़ा चैलेंज भारत के सामने ये भी है उसके एक लंबा चैलेंज ये भी दोस्तों इसरो बनाता नाइनटीन में तब से लेकर 2022-23 तक हम देखें गवर्नमेंट मोनोपोली रही हमेशा सरकार मोनोपोली रही और इस सरकारी एकाधिकार के चलते दोस्तों हमारे यहाँ प्राइवेट इको सिस्टम को तैयार हो ही नहीं पाया हमारे प्राइवेट कंपनियां कभी तैयार हो ही नहीं पाई लाइक डिफेंस में देखिए आप वहां पर ही देख सकते हैं डिफेंस में लंबे समय तक डी का होल्ड रहा एच का होल्ड रहा तो आज हमारे पास हथियार भी कौन बनाता है ये लोग बनाते हैं हथियार प्राइवेट कंपनियां अब आ रही हैं टाटा आगे आई है या महिंद्रा डिफेंस आगे आई है या अडानी अंबानी डिफेंस आगे आया है वो भी दो चार साल में आ पाए हैं लेकिन जो इनका रोल रहा सत्तर होता है उसके चलते प्राइवेट इको सिस्टम ही नहीं कभी हमारे यहाँ पर वही काम स्पेस में है हमारे यहाँ पर तो गवर्नमेंट मोनिपोर इतनी ज्यादा रही हमारे यहाँ पर कि प्राइवेट कंपनियां आज है ही नहीं स्टार्टअप है सौ से ज्यादा वो भी दो चार सालों में आए हैं तो प्राइवेट इको सिस्टम नहीं है प्राइवेट इकोसिस्टम नहीं होगा तो हम तो ग्लोबल मार्केट में अकेले कुछ नहीं कर सकते सरकारी कंपनियां अकेले कुछ नहीं कर सकती इस प्राइवेट इको सिस्टम के अंदर जी हाँ ये समझना होगा और चैलेंज को कंपटीशन है दोस्तों सीवियर कंपटीशन का सामना करना पड़ रहा है स्पेस एक्स प्राइवेट कंपनियां हैं जिनके पास हैवी लॉन्च वहीकल भी हैं, भारी लॉन्च वहीकल भी हैं और कहीं ना कहीं इनके पास मार्केट कॉम्पिटिटिव भी है इनके पास प्राइस कॉम्पिटिशन भी इनके पास है भारत जितना ही सस्ता लॉन्च ये भी कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं इनके पास आ, फायदा है दोस्तों कहीं ना कहीं ये हो चैलेंजेस की बात मूव करें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एफर्ट्स क्या हैं या सरकार ने क्या प्रयास किए दोस्तों इस दिशा में स्पेस ग्लोबल स्पेस मार्केट को टेक ओवर करने के लिए कब्जा करने के लिए तो वी हैव सर्टन स्टेप्स उठाए दोस्तों मैं बात कर रहा था शामे से वी हैव लॉन्च किया हमको याद होगा अगस्त दो हजार बाईस में हम लेकर आए अपना खुद का एक एस एस एल वी स्मॉल वहीकल तो कहीं ना कहीं ये क्या मदद करे कस्टमाइज कर दिया हमने लॉन्च वहीकल को इसको हम आज कर बोलते हैं लॉन्च ऑन डिमांड एक शब्द चलता है दोस्तों लॉन्च ऑन डिमांड

ये कंपनी क्या करेगी दोस्तों ग्लोबल ऑर्डर लेकर आ रही है इसरो के लिए याद होगा आपको रिसेंटली ब्राजील से ऑर्डर लेकर आई थी अमेजोनिया 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 का ये ऑर्डर लेकर आई थी लॉन्च भी किया था भारत ने से तो एनएसआई दोस्तों एज अ कमर्शियल विंग के रूप में इसरो की जो इसरो के लिए ऑर्डर लेकर आ रहा है अगेन आगे बात करें दोस्तों और बात करें आपके साथ और क्या प्रयास कर रही है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया तो यंग साइंटिस्ट को कहना चाहिए मुझे यंग साइंटिस्ट यंग माइंड्स जो देश के हैं बेस्ट माइंड जो देश के हैं

जिसमें हम लोग ट्रेनिंग देते हैं मॉड्यूल्स सेटेलाइट uh, बनाने की अपने यंग स्टूडेंट्स uh, को एस्पायरेंट्स को तो कहीं ना कहीं यंग माइंड्स को सरकार जोड़ जोड़ रही है है इसरो रहा अपने साथ इसके अलावा दोस्तों हमने कुछ और कंपनी तैयार की है लाइक वी हैव इन स्पेस ये एक स्पेस रेगुलेटर तैयार कर दिया है जिससे हम रेगुलेट कर पाए तेजी से बढ़ते हुए मार्केट को तो वी हैव नाउ स्पेस रेगुलेटर हमारे पास है आरबीआई होता है सीबी होता है सो वी हैव स्पेस रेगुलेटर इन स्पेस है हमारे पास जो रेगुलेट कर सकता है इस पूरे काम को इस पूरे सेक्टर को दोस्तों आ, इसके अलावा गवर्नमेंट ने स्पेस पॉलिसी लॉन्च कर दिया नेक्स्ट ईयर न्यू स्पेस पॉलिसी आ चुकी है हमारे पास एक न्यू स्पेस पॉलिसी आ चुकी है जिससे अल्टीमेटली हम लोग गोल कर रहे हैं कहीं ना कहीं आप ग्लोबल मार्केट को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं अदर देन हमने कुछ ग्लो, ग्लोबल कोलिब्रेशन किए हैं Like इंडिया इंडिया ग्लोबल हम लोग क्या कर रहे हैं ग्लोबल कोलोबरेशन कर रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं इंडियन क्रिएटिविटी और बेहतर हो सके इंडिया के ग्लोबल मार्केट तक इंडिया के एक्सेस को और बढ़ाया जा सके ये फायदा मिलेगा हमको यहां पर इसके अलावा दोस्तों डेवलपिंग कंट्रीज को हम लोग जगह दे रहे हैं उनको कह रहे हैं कि अपने पे लोड हमें दे सकते हैं वो लोग जैसे भी रिसेंटली हमने कहा था सार्क सेटेलाइट कहा था हालांकि पाकिस्तान नहीं आया सार्क सेटेलाइट लेकिन बाकी देश जुड़ गए हमारे एशिया साउथ एशिया के उनके लिए सेटेलाइट लॉन्च किया हम लोगों ने अकर तो कर रहे हैं थर्ड वर्ल्ड के कंट्रीज को अपने साथ जोड़ रहे हैं आपको याद होगा रिसेंटली अफ्रीका के लिए हमने दो मिशन लॉन्च किए हैं जिसमें हमने काम किया है कि अफ्रीका में ऑन टेली मेडिसिन और टेली एजुकेशन जी हाँ सेटेलाइट के जरिए मेडिसिन यानी स्वास्थ्य सेवाएं और सेटेलाइट के जरिए ही एजुकेशन देना ये काम कर रहे हैं दोस्तों हम लोग कहाँ पर ई विद्यांजलि स्कीम या ई विद्या स्कीम जो हमने लॉन्च की है वहां पर और ई आरोग्य स्कीम सुना होगा मिशन के बारे में ई आरोग्य स्कीम और ई विद्यांजलि या ई विद्या स्कीम हमने लॉन्च की अफ्रीका के लिए फॉर टेली मेडिसिन टेली एजुकेशन पर्पज के लिए तो कहीं ना कहीं हम इन देशों को जोड़ रहे हैं अपने साथ हमारे एफर्ट्स हैं ग्लोबल स्केल पर जिससे कहीं ना कहीं पहुंच पाए इन देशों तक हम लोग क्या ये आर्टिकल पूरा क्लियर हो गया आप लोगों के लिए मैंने कहा शाम में कराया मैंने कर आपको टच कर देता हूँ इससे आपको भी आइडिया पड़ जाए आर्टिकल क्या था आर्टिकल तो नहीं था ये मैंने इसको शाम को कराया साइंस का टॉपिक था वहाँ पर ये तो मैंने कर कर हूं। हो पाएगा समझ आया दोस्तों पी एस एल वी सी एल है core alone कहते हैं, इसको हम को core alone, zero motors, कोई मोटर नहीं होती इसके अंदर, दो motor या कहते हैं। नहीं, Hexa मतलब मोटर, ठीक है चार अलग अलग होते हैं सब पंथर होता है ठीक है दोस्तों move करते हैं। फर्दर हम लोग आगे बढ़े फिर आपके साथ नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे have, कहां पर आर्टिकल हम लोग आर्टिकल कौन सा था हमारा तो ये अपना आई एम एफ दोस्तों स्पेस को मैंने बीच में डाल दिया आपके लिए ठीक है लेकिन वो याद आ गया तो मैं करा था। <coughs> था। ठीक है सो so दोस्तों आइए बात करते हैं फ्राइड टाइज बिटवीन इंडिया चाइना है दोस्तों चार पांच पॉइंट मैं इसको ज्यादा नहीं खींचूंगा इसमें जो की पॉइंट्स मैंने मार्क कर दिए उसको मैं बताता हूँ क्या क्या मैंने मार्क किया इसमें आपके लिए कौन कौन से मैंने इसमें मार्क किए आपके लिए तो हम लोग यूज करेंगे कौन सा कलर ब्लू कलर यूज कर लेते हैं ठीक है आइए दोस्तों तो चाइना यूएस की बात हो रही है दोस्तों चाइना और यूएस की बात हो रही है यहाँ पर संबंध बहुत खराब चल रहे थे पिछले कुछ समय से लेकिन अब संबंध सही करने का प्रयास कर रहे हैं लोग आ, अगर हम बात करें तो दो बहुत मुश्किल साल रहा इनके लिए आ, आपको याद होगा स्पाई बैलून इशू आया था पहले सबसे पहले जिसमें तो चाइनीज बैलून अमेरिका के एयर स्पेस में प्रवेश कर गए थे और अमेरिका ने उसको मार गिराया था या उसको उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया था उसको दोस्तों मार गिराना नहीं था स्ट्राइक डाउन कर दिया था अमेरिका ने स्पाई बैलून्स को तो मामला ऑलरेडी खराब रहा वहां से और नया साल जो आने वाला है मुश्किलों भरा होने वाला है क्योंकि दो बड़े मुद्दे हैं दोस्तों ताइवान में चुनाव होने वाले हैं जनवरी को ताइवान में तेरह जनवरी को चुनाव होने वाले हैं दोस्तों और इस साल के अंत तक अमेरिका में चुनाव होंगे जो कही कहीं ना कहीं चाइना की मुश्किलों को चिंताजनक ले जा सकते हैं ठीक है हमारे काम का क्या है दोस्तों अभी अच्छी बात है कि अमेरिका या चाइना के जो कुछ सैन्य अधिकारी अमेरिका गए और मुलाकात करके आए आपको याद होगा अभी चीन राष्ट्रपति ने मुलाकात की है पिक्स समिट के दौरान राष्ट्रपति बाइडन से तो संबंधों को सही करने का प्रयास किया जा रहा है लेकिन बहुत कुछ होगा नहीं मालूम है क्योंकि यहां पर ये यह कह रहा है दो तीन मुद्दे हैं जो अटके रहेंगे यानी अमेरिका और चीन में बड़े वाद क्या चल रहे हैं मैं समप कर रहा हूं आपको बोर्ड पर जाकर ठीक है तो क्या क्या इशू रहेंगे अमेरिका और चाइना के बीच में क्विकली हम समरी कर लें जो मेजर इशूज फंसे हुए हैं इस समय अमेरिका और चाइना के बीच में दोस्तों तो पहला जो मेजर इशू यहां फंसा हुआ है वो है ताइवान इशू दोस्तों ताइवान को लेकर जैसे चाइना आजकल कर रहा है इतना एग्रेसिव हो गया ऐसे यूक्रेन जब से वॉर चालू हुआ है ताइवान के लगातार वो उसके एयर एरिया में या एयर जोन में डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है उसके जो मुझे कहना चाहिए ताइवान के जो आसपास सी है उसमें ई जैड का वॉयेशन कर रहा है चाइना लगातार हम देख रहे हैं यहाँ पर आए दिन लगातार वार्निंग जारी करता है ताइवान के लिए वो ताइवान के पॉलिटिकल इलेक्शन में भी कहीं ना कहीं वो एक इंटरफेयर कर रहा है एक प्रकार से क्योंकि जो वर्तमान काउंसिलर हैं ताइवान की या वर्तमान राष्ट्रपति कहते हैं अपने आप को लेकिन तो हम लोग काउंसिलर मान सकते हैं तो वर्तमान काउंसिलर एंटी चाइना है चीन चाहता है वो हार जाए तेरह जनवरी के चुनाव में तो लगातार इंटरफेयर कर रहा है ताइवान को लेकर धमकी भी दे चुका है कई बार वो तो ताइवान को लेकर हम देखें यहाँ पर एक अमेरिका और चीन के संबंध बहुत खराब चल रहे हैं पहली बात दूसरी बात दोस्तों जो नया इशू है नया तो नहीं कहूंगा लेकिन इशू है दो में रहेगा वो है अमेरिका में चुनाव अमेरिका में चुनाव जॉय बाइडन की बात करें बाइडन वर्सेज ट्रम्प होने वाले हैं ट्रंप होंगे राष्ट्रपति पद के चुनाव ये और

अब जैसे इन्होंने अपनी पॉलिसी दिखाई क्वाड को मजबूत किया बाइडन ने। हमने देखा, में मंत्रियों के वीजा कैंसिल कर दिए उनके अकाउंट फ्रीज कर दिए उन्होंने यहां पर या अपने यहां पर चिप एक्ट पास किया जिससे चाइना को चिप ना मिल पाए चिप्स ना मिल पाए चाइना को वो उन्होंने किया पास कराया उन्होंने अपने यहाँ पर बाइडन ने कराया जिससे चीन के जो जिंगजियांग एरिया से कॉटन आ रहा है या जो वहाँ सैन्य अधिकारी काम कर रहे हैं चाइना के उनको अमेरिका में वीजा ना मिले यहाँ पर आने का तो कहीं ना कहीं इनकी पॉलिसी देखेंगे आप तो आप फाइंड आउट करेंगे कहीं ना कहीं बाइडन या ताइवान को लेकर बहुत स्ट्रॉन्ग रहे हैं इनके कार्यकाल में नैन्सी पॉलिसी नैन्सी पॉलिसी जो वहां पर संसद की हेड हैं या स्पीकर हैं वो गई वहां पर ताइवान की यात्रा पर गई वो तो नोटिस करें हम लोग लगातार बाइडन की पॉलिसी में कंसिस्टेंसी है टूवर्ड्स चाइना और पॉलिसी एंटी चाइना है एंटी चाइना नीति के साथ वो स्थिर खड़े हैं बाइडेन ट्रम्प की पॉलिसी हमने देखा था अस्थिर थी आज ये कर लो रैंडमली कुछ भी कर रहे थे तो चाइना को ज्यादा टेंशन नहीं थी तो यहाँ पर बाइडेन की पॉलिसी स्ट्रांग है कहीं ना कहीं इलेक्शन ईयर में ये देखना होगा कि संबंध किस तरफ बढ़ते हैं लेकिन बाइडेन काफी हद तक एंटी चाइना तो माने जाते हैं लेकिन स्ट्रिक्ट माने जा रहे हैं अपने आप में वो ठीक है तो बता दू मैं आपको यहाँ पर ताइवान में जो नेता वर्तमान में है लाई चिंगते ये चुनाव जीतने की ओर बढ़ भी रही हैं और कहीं ना कहीं ये इस समय रूलिंग डेमोक्रेट सरकार वर्तमान सरकार की हेड भी हैं और दोबारा चुनाव जीतने की करीब भी हैं तो चाइना ऐसे नाराज इनसे काफी चल रहा है इस समय और इनकी जो ये जो पार्टी अध्यक्ष है लाई चेंग ली इनका अमेरिका के साथ अच्छे संबंध है तो नो डाउट चीन और से नाराज हो रहा है यहाँ पर दूसरा बताए मैंने अमेरिका में चुनाव होने वाले हैं ठीक है और तीसरा मुद्दा है दोस्तों अमेरिका में टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट का ठीक है आज और भी बात करें तीसरा मुद्दा जो बड़ा मुद्दा चल रहा है इस समय चाइना को टेक्नोलॉजी नहीं देनी है चिप नहीं देनी है दोस्तों जी हाँ अमेरिका ने चिप एक्ट पास कर दिए चिप अच्छे चिप 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 देख लीजिएगा एक बार चिप चिप मुझे, मुझे नहीं आ रहा है चिप और चिप एक्ट, तो चिप एक्ट होगा ये ये ख्याल से होना चाहिए तो ये अमेरिका ने पास कर दिया है दोस्तों रिसेंटली और इसका गोल क्या है कि अमेरिका के जो नॉन फ्रेंडली नेशन हैं अमेरिका के जो गैर मित्र राष्ट्र हैं उन तक अमेरिकी टेक्नोलॉजी ना पहुंचे अमेरिका से टेक्नोलॉजी ना पहुंचे खासकर वो जो कटिंग टेक्नोलॉजी है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है या एडवांस टेक्नोलॉजीज हैं वो ना पहुंचे उन देशों में जो अमेरिका के मित्र राष्ट्र नहीं है तो अमेरिका चाहता है चीन में ना जाए तकनीकें ये तो एक तरफ अमेरिका ने चिप एक्ट पास किया अपने यहाँ पर दोस्तों और इसके बदले चाइना ने क्या किया मालूम आपको याद होगा चाइना ने रेयर अर्थ मेटल्स या दुर्लभ मृदा धातुओं के एक्सपोर्ट पर बैन लगा दिया दुनिया का 70 परसेंट रेयर अर्थ पैदा कौन करता है चाइना करता है और चार, इस रेयर अर्थ मेटल दुर्लभ मृदा धातुओं से बनती हैं अल्टीमेटली चिप्स यहाँ पर तो कहीं ना कहीं अगर आप चिप नहीं बेचोगे तो आपको रेयर अर्थ मेटल भी नहीं मिलेगा हमारे यहाँ से तो ये एक थोड़ी सी बात है दोस्तों देखने वाली है यहां पर तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट को लेकर बात करें हम लोग यहाँ पर तो यहाँ पर सप्लाई चेन और नेशनल इंडस्ट्री बेस को मना कर दिया उन्होंने यहाँ पर कि वो किसी भी ऐसे देश को चिप ना बेचे रिस्ट्रिक्शन लगा दिया उनके ऊपर कि एडवांस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को चिप ना बेचें या तो एआई चिप है वो ना बेची जाए कटिंग इस चिपना बेची जाए दोस्तों जो मैंने कहा कटिंग इस टेक्नोलॉजी की चिप ना बेची जाए लगातार हम बात करते रहे हैं ठीक है तो उसको रोकने के लिए चाइना ने क्या किया दोस्तों बताया मैंने आपको चाइना ने क्या किया चाइना ने अपना जो ग्रीन कलर में दिख रहा है आपको यहाँ पर चाइना ने क्या किया दोस्तों रेय मेटल्स को बेचना बंद कर दिया है चिप प्रोडक्शन के लिए जरूरी है अपने आप में गैलियम को बेचना बंद कर दिया जर्मनी को बेचना बंद कर दिया उसने रिस्ट्रिक्शन लगा दिया एनवायरमेंट कारणों से लेकिन ना कि अमेरिका को ना जाए ठीक है तो कहीं ना कहीं ग्रेफाइट का बैन लगा दिया उसने यहाँ पर एक्सपोर्ट करने से जिससे कहीं ना कहीं अमेरिका में मुश्किलें बढ़ती जा रही याद रखिएगा दुनिया का सेवन रेयर अर्थ कहां पैदा होता है चाइना के अंदर पैदा होता है दुनिया का मुश्किल बढ़ सकती है अमेरिका के लिए यहां पर ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों लोग यहां से इलेक्शन की बात मैंने करी दी आपको इलेक्शन की बात मैंने करी दी दोस्तों यहाँ पर बताया मैंने आपको यहाँ पर इंपॉर्टेंटली मिस्टर बाइड चाइना पॉलिसी वॉज मोर सिस्टमेटिक एंड श्योर फुटेड तो मैंने कहा जो इनकी पॉलिसी जो बाइडन की पॉलिसी है वो स्टैटिक है थोड़ी सी अच्छी बात है वो पॉलिसी बनाते हैं तो नहीं करें तो क्वाड देखा तो कहीं ना कहीं चाइना को बहुत ज्यादा आराम नहीं करने दे रहे हैं वो ठीक है तो ट्रम्प के बारे में क्या कहता है अखबार वो कैटे पर्सन दोस्तों मतलब मतलब कुछ भी कह सकते हैं राजक है अपने आप में कैटे अपने आप में कहीं ना कहीं वो चलो और की पॉलिसी स्टेबलाइज है कहीं ना कहीं चाइना के साथ यहाँ पर ठीक है इसके अलावा कुछ अन्य मुद्दे भी हैं अमेरिका चीन संबंधों में दोस्तों कुछ अन्य मुद्दे भी हैं जिसमें से एक मुद्दा है फिलीपींस और साउथ चाइना सी का दोस्तों आपको याद होगा दो आइलैंड के नाम चल रहे हैं काफी लंबे समय से स्कारबॉग रीफ और एक शॉर्ट वीडियो बनाया था दोस्तों मैंने आपको याद होगा दोनों पहले इसी चैनल पर सेकेंड थॉमस शॉल याद है आपको अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ रहा है फिलीपींस के दो आइलैंड को लेकर ये सेकंड थॉमस शॉल और स्कारबॉग रीफ को लेकर दोस्तों जी हाँ तो कहीं ना कहीं ये भी कुछ जोग्राफिकल या साउथ चाइना सी जो इलाका है वहां पर टेंशन बढ़ रही एक समस्या की बात हो सकती है तो कहीं ना कहीं कुछ मुद्दे मिल गए दोस्तों समझने के लिए टेक इन्चार्ज हो गया और साउथ चाइना से एक बड़ा इश्यू है दोस्तों जो अमेरिका चीन संबंधों के दौरान पैदा कर रहा है क्या ये आर्टिकल हो पाएगा दोस्तों हमारा पूरा ये चिप एक्टो चिप्स एक्टर चिप्स एक्टर तो, चिप चिप तो। आगे बढ़े तीन आर्टेकल दोस्तों बताइए जल्दी से मुझको आप लोग फिर आगे बढ़ूँगा ये सब चलिए बहुत बढ़िया आइए नेक्स्ट आर्टिकल दोस्तों हमारे पास है बात करने के लिए आपसे सैनिटेशन वाला कुछ काम का नहीं है बहुत पढ़ के देखा कुछ मिला नहीं कुछ काम का इसके अंदर छोड़ दीजिए ये हिंदू में बड़ा सा दिया है आज है ना ये पूरा दिया है हिंदू में आज ये हमारा हो गया ये हमने कर लिया अभी चाइना वाला कर लिया दोस्तों ठीक है ये हो गया हमारा इसके अलावा जो बताया मैंने आपको ये दिया ट्रम्प को छोड़ दिया कंपनी ट्रम्प चुना पाएंगे ना एक्चुअली में ये ट्रेडिशनल बहुत आर्टिकल ट्रेडिशनल है मतलब कोई कंटेम्परी नहीं है कि कौन कौन सी तकनीकें होती हैं पानी को साफ करने की मतलब सीवर लाइन को साफ करने की यूज वाटर को साफ करने की वेस्ट वाटर बोलते हैं इसको हम लोग तो ट्रेडिशनल आर्टिकल है ये Uh, मैं इसको मना नहीं करूंगा पढ़ने के लिए लेकिन कुछ uh, मेरे करंट अफेयर्स के लिए कुछ भी नहीं था इसमें मतलब कि जो मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ क्वेश्चन आंसर सा फॉर्म में दिया गया है क्या, क्या क्या होता है तो पानी साफ यूज वाटर साफ कैसे होता है तो मैं कहना दोस्तों आजकल क्या ना वो हिंदुस्तान टाइम्स में एक सीरीज चल रही है इस समय मेरी टीम मैंने कहा था टीम को अपनी तो चार आर्टिकल की सीरीज है तीन आर्टिकल की सीरीज है आज उसका सेकेंड आर्टिकल आया था कल उसका पहला आया था तीसरा आने वाला है उसमें ना एक दो तीन क्वेश्चन डील किए गए हैं दो तीन बड़े इशू चल रहे हैं वो है डिजास्टर मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज एंड ड्रिंकिंग वाटर सोल्यूशन ठीक है तो तीन मतलब जो बड़े हमारे महानगर हैं वहाँ पर जो मेजर इशूज है महानगरों के उनको डील कर रहा है वो और मैं प्रयास में बोल रहा है टीम को क्योंकि पीपीटी बन जाएगा मेरा तो मैं आपको डील करूंगा वहाँ पर उस टॉपिक पर ठीक है तब तो मैं वहाँ जोड़ दूंगा आपका आर्टिकल मैंने रख लिया संभाल के ये मैंने बना लिया मैंने पढ़ भी लिया था लेकिन आज के लिए मैं इसको नहीं जोड़ रहा हूँ क्योंकि तो ये बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल टाइप का है जो मेरे काम का नहीं है आर्टिकल भी नहीं है बेसिकली एक क्वेश्चन आंसर फॉर्म में दिया गया है ठीक है तो मैं इसको नहीं करा रहा हूँ अभी आपको लेकिन

इश्यूज़ ऑफ सिटीज जो हम महानगर के चुनौतियाँ क्या है, क्या हैं क्लाइमेट चेंज है या फिर बीमारियां फैल रही हैं कोरोना हमने देखा यहाँ पर हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है वाटर क्राइसिस पैदा हो रही है सीवर लाइन या वेस्ट मैनेजमेंट बढ़ रहा है तो एक कम्प्रहेंसिव बड़ा अच्छा काम कर रहा है वो आजकल तो वो एक टीम तैयार कर रही है मेरी तो मैं चाहूंगा जब पूरा आ जाएगा वो तो मैं डिस्कस करूंगा आपके संग समय मिलता है मुझको तो, तो उसमें जोड़ दूंगा आपको मैं ये सीवर लाइन का यूज वाटर के बारे में आपके साथ ठीक है चलो मैं इसको भी आर्टिकल नहीं मान रहा हूँ उस टीम मैं छोड़ भी रहा हूँ उसको यहाँ पर तो ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप का चीज है मैंने पूरा पढ़ के देखा मुझे लगा नहीं कुछ काम के अंदर जो बताया जाए कि सीवा कैसे काम करती हैं टू पेट हेड क्या होते हैं चलिए आइए तो बात करते हैं एशिया कॉटन अलायंस के बारे में दोस्तों आइए बात करते हैं एशिया कॉटन अलायंस पर जो कि आज के बिजनेस लाइन का आर्टिकल मेरे पास कहा गया रहा। एशिया कॉटन अलायंस दोस्तों यहां दिया गया नीचे एशिया कॉटन एयर की बात करें कोप ट्वेंटी कर चुके हैं अखबार से वैसे पहले भी और विंड पावर की बात करेंगे आई को हमने पहले ही कर लिया उस हिंदू ठीक है आइए बात करते हैं दोस्तों आपके साथ हमारे पास आर्टिकल है एशिया कॉटन एर पर आइए बात करते हैं क्या है एशिया कॉटन लाइन सिंपल सी बात दोस्तों ये है डेटा हमारा डेटा है काम थोड़ा सा डेटा इसमें काम का है मैं चाहूंगा अल्लाई शेयर करना आपके साथ डेटा क्या है सर वो देखते हैं डेटा दोस्तों पहले बहुत तो बड़ा इंटरेस्टिंग डेटा है चाइना इंडिया ब्राजील यूएस ठीक है सिबू ये चार देश जो है सीबू ये दुनिया का तीन चौथाई कॉटन पैदा करते हैं तो सीबू जो है ये साबू है एक प्रकार का हमारा थ्री फोर्थ कॉटन पैदा करता है दुनिया का ठीक है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम बात करें चाइना इंडिया पाकिस्तान बांग्लादेश वियतनाम और ये जो है दोस्तों ये दुनिया का एट्टी परसेंट कॉटन यूज करते हैं तो एशिया के छह देश है दोस्तों आप देख रहे हैं ये छह के छह एशिया के हैं और साउथ एशिया के हैं सारे इंडिया है पाकिस्तान है बांग्लादेश है बगल में ही है वियतनाम टर्की की बात करें चाइना की बात करें ये दुनिया का लगभग छ देश ऐसे हैं जो दुनिया के कुल कॉटन का 80 परसेंट यूज करते हैं ठीक बात है नो no डाउट अगर बात करें ये इनका 35 टू 40 परसेंट प्रोडक्शन इज ट्रेडेड ग्लोबल इन विच एशिया रूलफ्रेंड दोस्तों जितना कपास दुनिया पैदा होता है उसका 40 परसेंट दुनिया में एक्सट्रेड होता है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट होता है उसका फोर्टी परसेंट होता कहीं ना कहीं बड़े देश है बड़ा पार्ट है इनका और फिर समझिएगा दुनिया के ग्लोबल उत्पादन में दोस्तों सीबू तो है ही है सीबू में ब्राजील और यूएसए बाहर के हैं जो पैदा करते हैं सेवेंटी फाइव परसेंट चारों देश मिलकर लेकिन ये ग्लोबल प्रोडक्शन जो है दोस्तों पचास परसेंट तो, तो बड़ी बात है ये दुनिया के कुल कपास का आधा कपास एशिया में पैदा होता है ठीक है और ग्लोबल कंजम्पशन की बात करें तो दुनिया का सत्तर परसेंट एशिया में होता है ग्लोबल ट्रेड की बात करें तो सेवेंटी ट्रेड एशिया से होता है तो नो no डाउट उत्पादन का 50 परसेंट कंजन का 70%, दुनिया के ट्रेड का है लेकिन, लेकिन, लेकिन। ये पैराग्राफी कह रहा है इतना उत्पादन होने के बाद भी इतना सब कुछ होने के बाद भी इतनी डोमिशन होने के बाद भी एशिया इज नॉट अ प्राइस सेटर हम लोग मूल्य तय करने वाले नहीं है हम बस एक प्राइस टेकर हैं जो मूल्य तय होता है उसको हम खरीद लेते हैं यानी मोनोपोली होनी चाहिए आपकी तो प्राइस के ऊपर सब कुछ आप ही क्या हो रहा है उत्पादन भी आप कर रहे हैं ट्रेड भी आप कर रहे हैं, भी आप कर रहे हैं। लेकिन वो अमेरिका घर में कुछ पैदा हो रहा है अमेरिका तय कर रहा है इसका दाम क्या होगा मुझे याद आ बात पैराग्राफ को पढ़कर कि केजरीवाल साहब थे हमारे कुछ साल पहले एक बात बोलते थे मैं उनकी बात को यहाँ पर यार हमारे ना हमारे यहाँ जो केजी जी बेसिन से गैस निकलती थी उस समय

या वो निकाल एक डॉलर मेरा साढ़े चार क्यों देंगे उसको आप एक डॉलर का गैस का यहाँ पर और फिर महंगी गैस खरीदेंगे तो महंगी बिजली बनाएंगे फिर गैस से आप बनाएंगे तो और महंगी बिजली जाएगी हमारे दिल्ली वालों के दिल्ली वालों का बिजली का बिल बढ़ जाएगा इससे यहाँ पर तो तो ये उनकी लड़ाई थी स्टार्टिंग में मुझे याद आता है जब वो इलेक्शन जब पॉलिटिकल पर्सन बने थे वो धीरे तो उनका लड़ाई यही थी रिलायंस के साथ कि बिजली महंगी है दिल्ली में क्योंकि आप ये जो प्राइस आप आप गैस निकाल रहे हैं इंडिया की गैस है ना अमेरिका को मतलब तय करने वाला प्राइस क्या होगा इसका तो यहां पर इनपॉइंट बात है वही बात है कि उत्पादन हम करें कंजन हम करें लेकिन अमेरिका दाम तय करे अब सोचिए दोस्तों यूएस कॉटन फ्यूचर मार्केट भी डोमिनेट मार्केट जी हाँ तो अमेरिका का जो कॉटन मार्केट है वो डोमिनेट कर रहा है दुनिया को वो तय करता है प्राइस हम बस प्राइस टेकर हैं वो प्राइस सेटर बन जाते हैं अपने आप में ठीक है तो कहीं ना कहीं इससे असर क्या पड़ता है दोस्तों इसका असर पड़ता है चाइना इंडिया के पाकिस्तान पर हमारे ऊपर कि वो प्राइस सेट कर रहे हैं हमारे ऊपर मुश्किल बढ़ जाती है हमारे यहाँ पर ठीक है अब सोचिए चाइना का दोस्तों एक्सचेंज है वो दुनिया का कपास का, का 90 90 वहां ट्रेड होता है दुनिया भर में ट्रेड दुनिया का कॉटन का, का, का फ्यूचर मार्केट का वो होता है जेंगजाउ में लेकिन अमेरिका का जो आइस मार्केट है दोस्तों जहां केवल छह परसेंट ट्रेड होता है दुनिया का छह परसेंट कॉमोरिटी मार्केट दुनिया का वो वो तय करता है प्राइस क्या होगा जी हाँ आइस टू भी डिस्पोर्शन लार्जर इंपैक्ट द वर्ल्ड कॉटन प्राइस यानी जो छह परसेंट दुनिया का वो तय कर रहा है कि कॉटन का प्राइस क्या होगा जो चाइना का नाइनटी परसेंट हो रहा है वहां पर प्राइस वो तय नहीं कर रहा यानी कहीं ना कहीं यार मतलब हम सब कुछ कर रहे हैं लेकिन प्राइस अमेरिका तय कर रहा है बैठ कर यार ये क्या बात हुई इंडिया तो बहुत छोटे एक्सचेंज हमारे पास है एमसीआई एमसीएक्स कॉटन की बात कर दुनिया का पॉइंट थ्री है या एनसीडी की बात करें वन पॉइंट वन है दुनिया का तो कहीं ना कहीं हमारा कपास का, का, का फ्यूचर मार्केट बहुत छोटा है बहुत ही मिशकल है बहुत ही छोटे आकार का है दोस्तों यहाँ पर राइटर दो बातें कह रहा है दोस्तों जबकि इंडिया इतना बड़ा कपास का बाजार है अगर इतना कंपनियां तो रजिस्टर्ड क्यों नहीं है फिर यहाँ आती क्यों नहीं है दोस्तों तो यहाँ पर शायद हमारा बात वही है कि हमारा कॉपस कपास जो है दोस्तों काफी अनऑर्गेनाइज सेक्टर है हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र है कपास का क्षेत्र काफी यहाँ पर और ऐसे में हमारी कंपनियां नहीं पहुंच पाती हैं कमोडिटी बाजार या वायदा बाजार तक ठीक बात है चलो ये हो सकता है रिस्क तो यहाँ पर राइटर क्या कह रहा है दोस्तों इंटरेस्टिंग बात बात है 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 राइटर कह रहा रहा मेरे काम काम की काम की बात कर रहा है। वो क्या कह रहा है दोस्तों तो क्या करना चाहिए यहाँ पर एशिया के देशों को साथ में आना चाहिए और जितने कॉटन प्रोड्यूसिंग है कॉटन कंजुम्पन करने वाले देश एक साथ आए और क्या बनाए अपना वो एशिया कॉटन अलायंस तैयार करें इनका कहना है कि देश साथ में आए जो कपास का उत्पादन कर रहे हैं कपास की खरीदारी कर रहे हैं वो एक साथ आए और एशिया कॉटन अलायंस तैयार करें हो सके तो अपना प्रयास करें कि इसमें हम लोग कहीं ना कहीं एशिया कॉटन अलायंस को ये दुनिया का प्राइस सेटल बन जाए अपने प्राइस सेट हम करा करें ना कि अमेरिका तय करो हो सके समय तो के साथ में क्या करें इसको एक्सपेंड करें अफ्रीका को भी शामिल कर लें या देखिए अफ्रीका में सी का नाम सुना है अपने दोस्तों सी C4. C4 का नाम सुना है आपने कॉटन के लिए सी फोर ही कहते हैं ना उनको हम लोग कॉटन कंट्रीज कौन कौन से हैं बताएगा है मुझे कोई सी ही कहते हैं शायद हम लोग

ये अफ्रीका के चार जो ऊपर के देश हैं साहिल कंट्रीज हैं दोस्तों यहाँ के फासो बुरना माली और आ, इनके नाम आते हैं दोस्तों इससे वो लोग क्योंकि कॉटन बड़े लिए पैदा करते हैं अपने यहाँ पर ठीक है तो हमें क्या करना होगा दोस्तों इंपॉर्टेंट बात है भारत या ये जो अलायंस बनेगा तो फायदा मिलेगा यहाँ पर इंडिया याद रखिएगा इंडिया मुश्किलें बढ़ रही हैं भारत में कॉटन उत्पादन जो एरिया है वो सेचुरेशन पर आ गया यानी एरिया और नहीं बढ़ने वाला कॉटन का अब उत्पादकता की बात करें दस परसेंट गिर चुकी है पिछले कुछ सालों में दोस्तों जी पिछले पांच सालों में प्रोडक्टिविटी हमारी दस परसेंट गिर चुकी है एरिया नहीं बढ़ रहा है और न बढ़ने की संभावना है दोस्तों बीमारियां लग रही है पिंक बॉलवम आगे हमारे यहाँ पर दोस्तों क्लाइमेट चेंज हो रहा है जिससे कहीं ना कहीं भारत में कपास उत्पादन बड़ा चैलेंज काम होने वाला है कॉटन अलाइंस बनाएंगे तो अच्छा होगा जिससे हम लोग रेट खुद तय कर पाएंगे दोस्तों ठीक है अगर आप सोच रहे हैं जो चल रहा है वो चलने दिया जाए तो निश्चित तौर पर जो इंडिया का एक्सपोर्ट सरप्लस है वो कम हो जाएगा वैसे हम लोग इम्पोर्ट वाले करने वाले देश हो गए आजकल इम्पोर्ट हम करने लगे नेट इम्पोर्टर बन गए कहीं ना कहीं हम लोग यहाँ पर नेट इम्पोर्टर हो गए हम लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं याद रखना है तो आवश्यकता है कि हम लोग मिलकर काम करें एशियन देश तो शायद हम लोग बेहतर काम कर पाएंगे क्या आर्टिकल तैयार हो जाएगा दोस्तों मेरा ये क्या हो जाएगा चलो आर्टिकल तैयार हमारा ये कहाँ है जनता चार्ट वाली बुरकना फासो बहन ठीक है दोस्त ठीक बात है फोर एक के सी फोर कहते हैं ना कॉटन फोर कहते हैं कॉटन फोर देश डब्ल्यू में साथ में आते हैं चारों देश गिव मी थर्टी सेकंड ब्रेक जस्ट थर्टी सेकंड मैं बात करूंगा आपसे दोस्तों अगले आर्टिकल पे मेरा जो अगला आर्टिकल है विंड एनर्जी के ऊपर ठीक है तब तो, तो, तो कुछ क्वेश्चन भी लिख दीजिए आप लोग Okay, दोस्तों कहां पर थे हम हम थे हम हम लोग विंड एनर्जी पे दोस्तों तो देखिए विंड एनर्जी पे जो आर्टिकल है बहुत विशेष नहीं है लेकिन कुछ नई चीजें हैं जो आपको जानना जरूरी है। है? अभी दिसंबर में एक आया है नया ठीक है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्य सेंटर में रखा है लेकिन मैं कुछ बातें और जोड़ दू दोस्तों ठीक है कि विंड एनर्जी सेक्टर को एक अच्छी फ्रेश एयर मिल गई है इस सर्कुलर के आने के बाद इस इस डॉक्यूमेंट के आने के बाद ठीक है अभी डॉक्यूमेंट क्या है बात करेंगे आपके साथ हम लोग अगले कुछ देर में आइए आइए दोस्तों बात करें विंड एनर्जी के बारे में तो आ, ये जो आया है दोस्तों सात तारीख का डॉक्यूमेंट आया उसका नाम क्या है नेशनल रीपावरिंग एंड लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट्स यहां सकता नाम है दोस्तों सात दिसंबर को सर्कुलर आया है मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यू एनर्जी की ओर से ठीक है

जिससे इफिशियंसी बढ़ जाएगी ज्यादा ऊर्जा बनेगी तो रिप्लेस करना है आउटडेटेड विंड को विद मॉडर्न अपडेटेड टर्बाइन टेक्नोलॉजी दैट रीपावरिंग ठीक है और रीपावरिंग के अलावा दूसरा वर्ड लिखा है लाइफ एक्सटेंशन पॉलिसी यह भी है कि मान लो पुराना ही टर्बाइन यूज करना है आपको अगर तो ऐसा कुछ कर दिया जाए कि इसकी लाइफ थोड़ी और बढ़ जाए मतलब इसकी लाइफ एक्सटेंशन हो जाए ये हमें काम करना है याद रखिएगा भारत में जो विंड पावर की स्थापना शुरू हुई थी लेर टू थाउजेंड में हुई थी दोस्तों सोलर एक कंपनी थी सुजलॉन एनर्जी हमारे यहाँ पर दुनिया की बेस्ट कंपनी थी विंड पावर के एक समय ये हिसाब था हमारे यहाँ पर आप सोच सकते हैं दोस्तों ये लाइन लिखी भी है यहाँ पर अ लॉन्ग स्टैंडिंग डिमांड सेक्टर ये मांग थी बहुत लंबे समय सेक्टर की पॉलिसी लाई जाए लेकर आ गई ये जो सेक्टर है दोस्तों विंड पावर का सेक्टर जो है द द ब्लू बॉय इन इंडिया समझते ब्लू बॉय मतलब ये बहुत ही फेवरेट था इंडिया का मतलब ये ऐसा था कि बहुत तेजी से बढ़ रहा था भारत की महान कहानी लिख रहा था एक समय कहा जाए तो ये लेकिन कहीं ना कहीं दुष्कर्म घटता चला गया और आज हम सोलर पावर ज्यादा ध्यान देते हैं हमने सोलर पावर ज्यादा ध्यान दे दिया उसके बाद विंड पावर को हमने साइडलाइन कर दिया देखिए तो पोटेंशियल बहुत अच्छा था अच्छा काम हो रहा था लेकिन विंड पावर कम ध्यान दिया सोलर पावर हमने ज्यादा ध्यान दिया इसके बाद ठीक है चलो दोस्त तो यहाँ पर सोच सकते हैं ये जो लंबे समय से मांग थी रीपावरिंग करने की 2016 में प्रयास किया था सरकार ने लेकिन लोगों ने नकार दिया इसको सोलह पॉलिसी लेकर आई थी नकार दिया सफल नहीं हो पाई थी यहाँ पर अब उस पॉलिसी को रिवाइज किया गया है ठीक है जिससे रिपावरिंग करना और रिप्लेसमेंट यानी कि नए उपकरण लगाना पुरानी जनरेशन जो है दोस्तों हटा के नए उपकरण लगाना आसान हो जाएगा नई पॉलिसी से आसान हो जाएगा दोस्तों ठीक है तो सात दिसंबर को जो सर्कुल आया इसमें कहा गया है कि विंड पावर को आप कर सकते हैं रिपावरिंग कर सकते हैं दोस्तों इसके शर्तें नियम आसान भी कर दिए गए भारत सरकार के द्वारा ठीक है चलो कोई समस्या नहीं है एक अच्छी बात क्या होगी दोस्तों बताइए मुझे को। इसकी संग अच्छी बात क्या होगी देखिए अभी क्या है ना उन्नीस से लेकर साल 2000 के बीच में मैं आपको बताऊं भारत में विंड पावर पे काफी ध्यान दिया गया उसके बाद भी ध्यान साल और दिया गया ध्यान ठीक है हमने सर जब विंड पावर ध्यान दिया तो देश में जहां पर ज्यादा पॉसिबिलिटी थी विंड पावर की मान लो तमिलनाडु है या फिर गुजरात है या फिर राजस्थान है या पुणे मान लो महाराष्ट्र का इलाका है तो विंड पावर की जहां ज्यादा पोटेंशियल था ज्यादा पोटेंशियल था वह हमने प्लांट लगाए जहां अधिक संभावनाएं थी प्लांट लगा दी हम लोगों ने अब क्या हुआ वो प्लांट आउटडेटेड हो गए दोस्तों मतलब जितना प्लांट है वो उससे कम ऊर्जा पैदा कर पा रहा है यानी जितनी क्षमता उस इलाके की है वहां अगर नई टेक्नोलॉजी लगा दी जाए तो बहुत हाँ ज्यादा ऊर्जा पैदा करेगी वो अपने आप में तो वो ऊर्जा की जगह खराब कर रहा है वहां पर बहुत ऊर्जा पैदा हो सकती है यदि उस जगह पर आप नए प्लांट लगा दीजिए तो ज्यादा ऊर्जा पैदा हो सकती है तो ये राइटर हमारा कह रहा है यहाँ पर तो हमें क्या करना है दोस्तों तो पुराने हमारे इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इनको हटाना होगा ठीक है तो क्या करना होगा हमारे दोस्तों लगातार हम देखें इनको चेंज करना होगा ठीक है राइट नाउ हम भारत में लगभग अक्टूबर 2023 में कितनी पवन ऊर्जा पैदा कर रहे हैं दोस्तों चवालीस गीगावाट या लगभग पैंतालीस हजार मेगावॉट पैदा कर रहे हैं हम लोग अपने यहाँ पर विंड पावर जो कुल देश की कुल ऊर्जा का लगभग दस परसेंट के आसपास है जी हाँ लगभग साढ़े चार लाख मेगावाट पैदा होती है बिजली मान लो हमारे यहाँ अगर तो लगभग पैंतालीस जो कि दस परसेंट है टोटल एनर्जी का हमारी जो साल दो में इक्कीस मेगावाट था दो आ, आ, वो बढ़कर कितना हो गया है चौवालिस मेगावाट सोच तो सकते हैं डेटा आपको सामने आएगा यहाँ पर दो में सोलर पावर हार्डली थी दो मेगावाट हमारे पास ठीक है 2000 मेगावाट और 2021 में कितनी हो चुकी है मोर देन वन लाख मेगावाट ठीक है ये 50 गुना जंप पवन ऊर्जा कितनी थी 21000 मेगावाट थी दोस्तों 2014 में ये कितनी हुई है 2021 में आकर या 2022 में आकर या 23 में आकर मैं कहूं कितनी हुई है अपने आप में ये ये हुई है पैंतालीस हजार मेगावाट ऑलमोस्ट डबल ही हुई है यानी ये पचास गुना बढ़ गई सौर ऊर्जा और ये केवल दो गुना हुई है तो नो डाउट पवन ऊर्जा पर कम ध्यान दिया गया सौर ऊर्जा पर अधिक ध्यान दिया गया डेटा आपके सामने है दोस्तों ठीक है तो हमें क्या करना है दोस्तों जो पुराने वाले सब मेगावाट के जो प्लांट हैं जो टर्वाइन है पुराने वाले सब मेगावाट के कम ऊर्जा वाले उसको मल्टी मेगावाट स्केल से बदलना है दोस्तों को यहाँ पर ठीक है तो हमें ज्यादा अच्छे प्लांट लगा दें ज्यादा बेहतर ब्लेड वाले प्लांट लगा देंगे हम लोग तो ज्यादा सौर ऊर्जा पैदा कर पाएंगे बनस्बत तो उन स्थानों पर कम ऊर्जा वाले संयंत्र लगा रखे हैं हम लोगों ने ठीक है क्योंकि पुरानी तकनीक है साल दो की तकनीक है दोस्तों और ये जगह जो है साइड हैविंग हाई विंड एनर्जी पोटेंशियल उन जगहों पर लगा रखे पुराने प्लांट जो काफी ऊर्जा पैदा कर सकते हैं हमारे यहाँ पर ठीक है चले बदलने की आवश्यकता है, प्रान, है, है और आजकल जो आ है ऊंचाई पर तो लगेंगे तो ज्यादा वो पवन ऊर्जा पकड़ेंगे ज्यादा अच्छी फास्ट ऊर्जा मिलेगी तेज पवन ऊर्जा मिलेगी और साथ बना पाएंगे तो अच्छी हासी हाइट होगी ये साठ मीटर का है दोस्तों नया वाला एक मीटर का है तो ज्यादा ऊंचाई पर लगेंगे वो जिससे कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर वो ऑपरेट कर पाए चलिए अच्छी बात होगी तो देखते हैं क्या होता है समझ की बात है तो अपने आप पे। ठीक है इसमें कुछ और करना नहीं है दोस्तों को यहां पर ठीक है विशेष बात नहीं है 1.5 टाइम कीमत बढ़ जाएगी इससे चलिए इसमें कुछ और बात मुझे काम की नहीं लगी है दोस्तों ठीक है कुल मिला के पवन ऊर्जा बढ़ रही है और ये पॉलिसी अच्छी है क्योंकि ये रीपावरिंग की बात कर रही है पहले जो पॉलिसी आई थी उससे रीपावरिंग की बात वो नहीं कर रही थी उसमें था बस पुराने को आप आ, सही कर सकते हो लाइफ एक्सटेंड कर सकते हो अब उन्होंने कहा कि पुराने को हटाकर नया लगा सकते हो नया लगा सकते हो पुराने केवल आपको आप पूरा चेंज कर सकते हैं ये, ये बात शामिल कर दी है दोस्तों उम्मीद कर रहा हूं, छोटा सा आर्टिकल आपको क्लियर हो गया होगा जो की पॉइंट हो गया होगा आपके लिए यहां पर क्या मैं आगे बढ़ू दोस्तों यहाँ से मैं आगे बढ़ू दोस्तों यहां से बताइए अच्छा जो आप बच्चे मैप की क्लास में जुड़े हुए हैं आप में से दोस्तों उनको बता दूँ कल से मैप की क्लास स्टार्ट हो रही है आपकी कल से उसका टाइम मैंने किया सुबह दस बजे का हल फिलहाल अभी मॉर्निंग टेन एम पर दोस्तों मैप की क्लास रहेगी सुबह आपकी ऐप पर और आ, कल ग्यारह बजे के आसपास रहेगा दोस्तों आई डब्ल्यू सेशन आपका और एक बजे अपना इकोनॉमिक क्लास चल रहा है ठीक है या देखो अपना साइंस तक का हिंदी चालू हो रहा है दोस्तों एक साइंस तक का हिंदी बैच चालू हो रहा है दो तारीख से और एक इकोनॉमी बाई लैंग्वेज लॉन्च होगा अपने सात तारीख के आसपास इकोनॉमिक बाई लैंग्वेज लॉन्च होगा सात तारीख के आसपास ठीक है Space topic. अरे यार। कैसे बताऊ मतलब क्या सोर्स है यार देखो स्पेस पे कुछ नहीं आया ना मैं क्या बताऊंगी सोर्स थोड़ी सोर्स मैं दिखा के पढ़ाता आपको देखो यहां से मैंने पढ़ा मेरे लिए आसान में जाता काम मेरा था ना

आ, दोस्त पहला क्लास कल क्लास तो शायद वो आपका जो होगा कल वो बस एक इंट्रो क्लास होगा कल प्रॉपर क्लास भी नहीं होगा शायद कल बस टेक्नोलॉजी हम चेक कर लेंगे वहाँ पर जूम का सुबह दस बजे तो मे बी जूम पे आपको मिल जाएगा लिंक ठीक है कल ना हो पाए तो क्लास होता कल सर इंट्रो क्लास हो जाएगा केवल कल कि हाँ चालू हो रहा है क्लास में उसके बाद चालू हो नेक्स्ट डे से ठीक है ऐप पर तो मिलेगा मिलेगा क्लास आपको लाइव पे तो क्लास लाइव हो गई होगा आपका ठीक है करंट क्लास नहीं हो पाया तो स्कल करेंगे यार करंट अफेयर्स आज सुबह बिल्कुल कला बिल्कुल नहीं बोल पा रहा आवाज नहीं आ रही गले में से आज सुबह तो मैंने क्लास नहीं ले पाया बायलिंगुअल नहीं है बेटा वो हिंदी वाला बैच में नोट्स बनवाने है मेरे को उसके अंदर नोट्स बनवाने है मुझे उसके अंदर ठीक है या फिर प्रिंटेड नोट्स है मैं दोनों बैच करा सकता हूं ये हो सकता है

इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल दोस्तों पंजाब ड्रग ट्रैक डाउन अ प्रॉमिस टू कीप आइए बात करते हैं इस पर हम लोग यहाँ पर आपके साथ आ, पंजाब में क्या हो रहा है यार उड़ता पंजाब तो हम जानते ही हैं कुछ डेटा आया दोस्तों पंजाब ड्रग्स के ऊपर हमारे पास सुन लीजिए आजकल ड्रग्स से बहुत कुछ चल रहा है ना मतलब कल भी एक न्यूज आई थी पाकिस्तान से कि पाकिस्तान में ड्रोन आजकल छोटे वाले यूज़ कर रहे हैं वो लोग मतलब डी कंपनी के मतलब दाऊद के ऊपर से जहरवर दिया है दाऊद दाऊदों किसी मुश्किल बढ़ गई है लोगों की ना दोस्तों बताया अच्छा, श्रीका में, अच्छा में न्यूज पढ़ रहा था कहीं श्रीलंका में ना कोई नया अधिकारी आया कोलम्बो पुलिस में वहां पर उन्होंने अपॉइंट किया है और सात दिन में मतलब तूफान मचा दिया वहां पर ड्रग्स को लेकर उसने श्रीलंका में तो ही काम कर दिया उसने वहाँ पर ठीक है ऐसी कुछ पॉलिसी हमारे भी चाहिए हालांकि बहुत ह्यूमन राइट के लिए बन गए उनके खिलाफ बता दिया मैंने मैप की क्लास हम कल ट्राई करेंगे टेक्नोलॉजी चेक करके वहां से जूम पे हो पाएगी तो होगा अदरवाइज इंट्रोडक्शन क्लास है कल का पैनिक मत लीजिएगा मैं कल पर करवा दूं, क्लास नहीं तो फिर एक आध दिन मुझे दीजिए चेक करके चालू कर लेंगे हम कल चालू करने से बच्चों को था कि सर सब कब चालू होगा तो कल क्लास चालू हो जाएगा अपना वो ठीक है नेक्स्ट क्लास से वो जूम पे भी वर्क करेगा नेक्स्ट टाइम से उसके बाद वो अपना ऐप भी रहेगा ठीक है चलो आ दोस्तों सुन लोरा ग्यारह हज़ार पाँच सौ एक सौ छप्पन एफ आई आर हुई हैं पंजाब में ड्रग्स एंड कानून के तहत वहाँ पर और दो हज़ार बाईस से तेईस में से मुख्यतः दस परसेंट महिलाएं भी शामिल हैं जो ड्रग पैडलर हैं या ड्रग्स बेच रही थी महिलाएं दस परसेंट महिलाएं भी शामिल हैं दोस्तों ठीक है तो ग्यारह हज़ार छप्पन एफ आई आर पिछले एक डेढ़ साल में लिखी गई हैं पंजाब में लगभग एक साल भी नहीं हुआ पूरा आप सोच सकते हैं दस महीने के अंदर लिखी गई हैं यहाँ पर ग्यारह हज़ार एफ आई आर ठीक है तो अगर कोविड छोड़ दिया जाए दोस्तों तो ये लगातार ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है कोविड साल छोड़ दिया जाए तो बाकी ग्राफ सालों में ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है ये ठीक है तो यहाँ पर ये लगातार पॉपुलर हो रही हैोलियां या जो लगातार ये कोकिकिन की बात करें हीरोइन की बात करें लगातार ये बन रहा है ठीक है लेकिन लेकिन अः ये एक वन पॉइंट बात है जो बदल रहा है दोस्तों वो ये है कि लगातार एफ तो बन रही है यहाँ पर कोई समस्या नहीं है लेकिन जो एफ लिखी जा रही हैं कहीं ना कहीं वो उसमें कोई लूपोल होते हैं जिससे जो दोषारोपण है एक्वेटर है वो रेशियो काफी कम हो जाता है दोस्तों यानी या सौ को गिरफ्तार करती है तो एक आधी जेल होती है यहाँ पर और मेजर डीलर कंटिन्यू एवोड अरेस्ट जी दोस्तों जी हाँ जो जो ड्रग्स बेचने वाले हैं जो मेजर डीलर हैं, जो किंग पिंग है इस पूरे, इस पूरे गेम के वो लोग बच जाते हैं अल्टीमेटली यहाँ पर तो ये लोग बच जाते हैं दोस्तों जैसा आप जानते हैं पंजाब जो है गोल्डन प्रेसिडेंट के पास है गोल्डन प्रेसिडेंट जानते हैं हम लोग ईरान अफगानिस्तान पाकिस्तान वाला गोल्डन प्रेसिडेंट तो यहाँ पर लगातार पंजाब में ड्रग्स आती रही हैं लंबे समय से दो राय नहीं है ट्रांजिट पॉइंट ड्राइव पाकिस्तान से ड्रग हमारे भारत में आती रही है ठीक है पंजाब सरकार ने इस साल असेंबली में कहा था दो साल भगवंत मान की सरकार ने दो काम करेंगे वो लोग उन्होंने बताया था कि हम उसको रोकने का प्रयास करेंगे ठीक है इन क्या काम किया वो समझिएगा दोस्तों बड़ी इंटरेस्टिंग बात है यहाँ पर पहले तो डेटा सुन लीजिए दो हजार बीस से तेईस के मारे गए हैं ड्यू टू तो नार्कोटिक्स ड्रग्स दो सिक्स जो यूजर थे जो कंज्यूम कर रहे थे इस को, इस इस ड्रग्स को को नशे वो मारे गए हैं लोग तो यहाँ पर समझिएगा दोस्तों पंजाब सरकार की वर्तमान रणनीति दो स्टेप वाली है क्या कर रहे हैं ये लोग पहला तो क्रैकडाउन ऑन सप्लायर जी हाँ दोस्तों जो सप्लाई करते हैं ड्रग्स की जो जो कहीं ना कहीं सप्लाई कर रहे हैं उनको क्रैकडाउन करना उनकी प्रॉपर्टी को जब्त करना ये काम कर रही है सरकार यानी सप्लायर को अरेस्ट कर रही है और दूसरा जो लोग यूज कर रहे हैं उनको अवेयर करना उनको रिहैप करना और रिहेप कैंप लगाना दोस्तों उनके लिए क्रिएटिव कैंपेन करना जिससे लोग छोड़ सकें साइक्लोथोन का आयोजन किया गया गली क्रिकेट चलाया जा रहा है उनके लिए स्ट्रीट प्ले आयोजित किए जा रहे हैं जिससे कहीं ना कहीं लोगों में अवेयरनेस आए तो पहला काम तो है कि क्रैकडाउन कर रहे हैं ये लोग और दूसरा अवेयरनेस कर रहे हैं यूजर के अंदर भैया ये मत करिए मत खाइए नुकसान होता है आपको ठीक है लेकिन इंपॉइंट बात दोस्तों जो इस पर नया पक्ष वो ये है नई चीज सामने आई है यहाँ पर वो ये है द ग्रेटर इन्वॉल्वमेंट ऑफ वुमेन इन द ड्रग ट्रेक ट्रैफिकिंग दोस्तों जी हाँ ये एक इंपॉर्न बात है मैं दस परसेंट महिलाएं हैं जो एफ आई आर हुई है जिन पर ये एक बड़ी बात है अपने आप में कि महिलाएं शामिल हैं अगर ड्रग ट्रैफिकिंग में देखो मेल अगर शामिल होता है तो ड्रग ट्रैफिकिंग ले रहा है वो कहीं ना कहीं ड्रग्स यूज कर रहा है या ड्रग को बेच रहा है ठीक है महिलाएं शामिल हो रही हैं दैट मीन्स ये जुड़ा है आपकी डायरेक्ट लिंक है पॉवर्टी के साथ जी हाँ ये दिखा रहा है कि महिलाएं जो पकड़ी गई हैं उनमें से कई महिलाएं दोस्तों डिनोटिफाइड ट्राइब्स की अपने आप में मैं कहूँ अगर आप जनजातीय है महिलाएं हैं उसके अंदर यानी गरीब महिलाएं हैं बहुत ज्यादा उसमें से या वो ई की हैं ग्रामीण बैकग्राउंड की हैं यानी ड्रग्स उनको भी लेना नहीं है वो जानती हैं ड्रग्स का नुकसान होगा लेकिन कही कहीं ना कहीं फिर भी ड्रग्स को बेचनी चाहे तो गरीबी एक बड़ा कारण है इसके पीछे यहाँ पर तो कहीं ना कहीं, कहीं दोस्तों में क्या करना होगा वो चाहती है टेम्पेशन टू तो गेट रिच क्विकली अपने आप में अपने घर की आय बढ़ाना चाहती हैं उनको लगता है कि आसान तरीका है पैसे कमाने का तो वो कहीं ना कहीं इसमें इन्वॉल्व हो रही है

और वहां की महिलाएं इन्वॉल्व हो रही है ड्रग ट्रैफिकिंग में दोस्तों कहीं ना कहीं तो आवश्यकता क्या है यहाँ पर एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अपॉर्चुनिटी फॉर जॉब्स ये क्रिएट करने होंगे दोस्तों तभी महिलाओं को हम रोक पाएंगे इस दलदल में जाने से यहाँ पर इसके अलावा पंजाब सरकार ने भी हाल में क्या किया ऑल वुमेन एंटी ड्रग कमेटी तैयार की है दोस्तों मालवा विलेज में जो काफी अच्छी बात है सरकार का स्वागत योग्य कदम है तो ऑल वुमेन यानी एक महिला को महिलाओं को जोड़कर एक कमेटी तैयार की है पंजाब सरकार ने जो काफी अच्छा कदम मान सकते हैं आप लोग यहाँ पर ठीक है दोस्तों तो ये सारी बातें शामिल है लगता है कि सरकार प्रयास करेगी अपना पूरा रोक पाएगी इसको क्या आर्टिकल दोस्तों क्लियर हुआ आपके लिए आप कहिए हमारा इससे नंबर सिक्स आर्टिकल था आज का क्लियर हुआ दोस्तों से दोस्तों आज के लगता हूँ शायद नहीं हो पाएगा स्पेस वाला एक्स्ट्रा करा दिया मैंने मतलब नहीं करना चाहिए था आतंकवादी वाला बच गया वैसे कोई बात नहीं स्पेस वाला भी ठीक था वो जरूरी था अपने आप में चलो छोड़ते हैं पाकिस्तान में अभी बारह बज गए ठीक है गांजा और भांग में क्या अंतर होता है सर या ये सभी प्रोसेस रूप होते हैं दूसरे के ना प्रोसेस होते हैं एक प्रकार से प्रोसेसिंग बढ़ती जाती है इसमें वो सब या जो भांग है वो से निकलती हैं चीज़ें ये है। सब नशीली कारोबार है एलएसडी की बात करें हेरोइन है, है कोकीन है या फिर आपके ये भांग है गांजा है लेकिन थोड़ा भांग हमारे यहाँ पर क्या अलाउड है मतलब भांग को हम लोग मानते हैं अलाउड करते हैं अपने यहाँ पर नारकोटिक्स सब्सटेंस में नहीं मानते थे हम लोग अब तक भांग को ठीक है चलो हो गया दोस्तों सर डी नोटिफाइड ट्राइब क्या होती है शेड्यूल ट्राइब होती है तो शेड्यूल उनको लिख दिया सरकार ने शेड्यूल में लेकिन डी नोटिफाइड ट्राइब जिनको अंग्रेजों ने नोटिफाइड किया था कि ये क्रिमिनल ट्राइब है शायद याद होगा अंग्रेज कहते थे कुछ ट्राइब जो हमारे यहाँ पर है वो नोटिफाइड ट्राइब बोलते थे ये क्रिमिनल ट्राइब है ये लूटपाट करते हैं रास्ते में लूटते हैं चीजों को ठीक है इनको नोटिफाइड ट्राइब करते थे अंग्रेज जब देश आजाद हुआ तो हमको डी नोटिफाइड कर दिया हमने इनको कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है ये लोग तो इनका नाम ही पड़ गया डी नोटिफाइड ट्राइब हमारे यहाँ पर ठीक है तो डी नोटिफाइड ट्राइब है बाद में कुछ शेड्यूल बना दिया सरकार ने कुछ शेड्यूल ट्राइब में शामिल हो गई बाकी डी नोटिफाइड आज भी ट्राइब है हमारे यहाँ पर ठीक है ये ट्राइब आज भी डी नोटिफाइड कैटेगरी में आती है ठीक है दोस्तों तो मैं क्या क्लास को रोक सकता हूँ यहाँ पर अपनी देंगे आगे मुझे आप लोग चलिए तो याद रखिए दोस्तों अपना साइंस टेक का बैच बता चुका हूं मैं आ रहा है आपको यहाँ पर दो जनवरी से साइंस टेक का बैच आ रहा है आपका यहाँ पर दो जनवरी दो 24, पहला बैच इस साल का साइंस टेक बैच वन पी पर ठीक है ना तो ये बैच रहेगा आपका एट्टी हार्स का यानी लगभग चालीस क्लास यानी सिक्स डेज के हिसाब से सिक्स वीक का प्रीकमी दोस्तों बैच होगा अपना ये ठीक है अपनी ऐप पर रहेगा आपके लिए फीस आ चुका है इसका थ्री ट्रिपल नाइन थ्री ट्रिपल नाइन फीस है बहुत कम फीस रखा गया थ्री ट्रिपल नाइन फीस है दोस्तों, आ, हिंदी बैच है दोस्तों। हिंदी बैच और सात मार्च से आपके लिए सात जनवरी से आपके लिए दोस्तों पीटी बैच भी आ रहा है और इकोनॉमी का बैच आ रहा है बाईल बैच दोस्तों पी स्पेशल आपका इकोनॉमी का बायोग्वल पीटी स्पेशल बैच ठीक है साइंस टेक दोस्त यार अभी मैं नहीं कर पाऊंगा बाई इसको शायद देखना पड़ेगा बाय शायद ना हो पाए साइंस टेक ये बैच इसको बाय नहीं करा पाऊंगा मैं अलग से होगा बाई बैच आपका ऐसे इकनॉमी का बाई लैंग्वल चालू करो मैंने वादा किया था आप लोगों से तो इकोनॉमी का बायवे आ रहा है इकोनॉमी हिंदी वाला बैच खत्म हो रहा है मेरा तो अभी ये बाई बैच आ रहा है उसकी जगह पर जब मैंने कमिटमेंट किया था बाय लाऊंगा तो साइंस टेक का कांग्वेल लाऊंगा पहले इसको खत्म हो जाने दीजिए एक बार ठीक है चलो टेक केयर मिलते हैं कल आपसे थैंक यू